लग रहा है मैं रास्ता ना भटक जाऊं और भूल जाऊं मैं कहां से आया हूं। ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि मार्केट में कर क्या रहा है। देखो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज मतलब आज पापा मम्मी का एनिवर्सरी में सेलिब्रेट करने वाले। एक्चुअली उनका एनिवर्सरी कल था बट हम सेलिब्रेट आज कर रहे क्योंकि शादी तो 12 बजे के बाद ही होता है ना। एंड कल हम वहाँ पे देवरिया में बिजी रह गए तो इसलिए वो कोई नानी के यहाँ जाएंगे तब सेलिब्रेट करेंगे। तो मैं आ चुका हूँ नानी के घर पर एंड यहाँ पर हम करने वाले सेलिब्रेट। तो यहाँ पर हम सेलिब्रेट करेंगे मजी मस्ती। भाई साहब ये क्या गिरा हुआ है मेरे पे वाइट वाइट? ओ अच्छा एक मिनट लेट मी शो यू। ये देखो गाइस पूरा सनस्क्रीन निकल गया मेरा एंड पूरा है ना बैग में भी लग गया है। ये देखो अंदर पता नहीं कहाँ कहाँ और गिरा हुआ है। मैं जल्दी जल्दी मैं बैग में सनस्क्रीन को ऐसे ही फेंक दिया एंड वो है ना बह गया है पूरा बैग में सनस्क्रीन। अब मैं उसको थोड़ा निकालता हूँ एंड पैक करता हूँ रखता हूँ। एक्चुअली मुझे केक का ऑर्डर करने के लिए भी जाना था क्योंकि शाम को चाहिए मेरे को केक का एंड ये सनस्क्रीन ने नया आफत लगा दिया है। तो ठीक है पहले इसको मैं रखता हूँ एंड फिर बाद में थोड़ा मुँह भी थोप लूँगा क्योंकि बाहर जाना है धूप में आकर सनस्क्रीन में जरूरत ही है एंड देन फिर मैं आपको मिलता हूँ। ओके ऑलराइट तो मैं निकल चुका हूँ। एक्चुअली मुझे केक का ऑर्डर देना पड़ेगा अभी एंड पनीर भी लाना है बट यहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा भागता है तो पनीर अभी नहीं लूँगा। पनीर डायरेक्ट शाम को ले लेंगे वो रहा घर पीछे नानी का एंड फिर जल्दी से मार्केट चलता है। एक्चुअली मुझे पहले ना केक का दुकान खोजना पड़ेगा क्योंकि मुझे यहाँ पता नहीं है कुछ यहाँ पे क्या है क्या नहीं है एंड यहाँ पे मामा वामा भी मेरे लोग नहीं ड्यूटी पे सब गए हुए हैं तो मुझे ही जाके करना पड़ेगा। कोई नहीं जाके पहले केक का दुकान खोजते हैं एंड फिर बाद में ऑर्डर देते हैं एंड फिर जल्दी से आते हैं एंड मुझे रश भी करना है एंड मुझे थोड़ा है ना ये रील्स भी बनाने हैं। यहाँ पे मामा ने मुझे ऑडियो भेजा तो उस ऑडियो पे तो मैं ठीक है बना के उसको इसमें ऐड कर दूँगा। बाय बाय। शॉर्ट था ना जो मैं गेट से बाहर निकला वो मेरी नानी ने लिया था इतना धूप में मतलब इसके नानी को लिया नहीं जा रहा था मैंने बोला बट कोई बात नहीं नानी लेके आप जल्दी से भाग के अंदर जाइए। तो नानी को शॉर्ट ली एंड मैं फिर बाहर आया। यहाँ पे दुकान तो दिख रही है बट केक का कोई भी इसमें मुझे बेकरी नहीं दिख रहा है। देखते हैं कहाँ पे है बेकरी। एक तो दुकान पता है मैंने देखा आई गेस जब पापा मतलब नानी के साथ या मम्मी के साथ आए हो यहाँ पे मार्केट में तो वहीं पर जाके मैं पूछता हूँ एगलेस केक मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि ना एग वाला केक तो नहीं चाहिए मम्मी खाती छूटी तक नहीं है तो खाने का दूध की बात है। तो खोजते हैं यहाँ पे सवेरा मेरे को ऐसे घूर घूर के देख रहे हैं कि मार्केट में कर क्या रहा है। देखो मैं हूँ बेशरम मैं बनाता हूँ फिर भी वीडियो। ओके सो वहाँ पे मेरे को एक बेकरी दिख रहा है चलो वहाँ पे जाके देखते हैं। ये रहा सो मैं बेकरी में आ चुका हूँ। तो केक ऑर्डर हो गया है 4 बजे का टाइम दिया है मैंने केक का मैं 4 बजे आऊँगा एंट्री ले लूँगा। पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है केक का। ओफ ये व्हीकल भी अच्छी जा रहा पाइन एप्पल वाला केक किया हार्ट शेप का पता है वो लोग बोले 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगे हैं। बोला है क्यों आखिर काट के दोनों खाना ही है तो बोला राउंड में या स्क्वायर में ही दे दो चलेगा मेरे को किसी में भी मेरे को मतलब नहीं है। तो मैं बोला अच्छा ठीक है एंड मैं थोड़ा चश्मा ले लेता हूँ कोई अच्छा वाला तो पापा के लिए भी लेना है मेरे को ब्लैक कलर सन ग्लासेस बट चश्मा आना बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था नहीं एंड पापा को पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा तो पापा को लेकर के आऊँगा एंड देन पापा के लिए पापा को ठीक है। तब मैं घर चलता हूँ रुमाल लाना भूल गया हूँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है एंड देन फिर आपको मिलता हूँ। ये देखो ये लोग मेरे को ना ऐसे घूर रहे हैं मतलब अभी सब मुंह टेढ़ा मेढ़ा कर लिए वरना सबके सब मेरे को घूर रहे थे। मैं पब्लिक में ब्लॉग शूट करता हूँ लोग मुझे देखते ऐसा कि मेरे को देखते रहते इतना जोर से हंसी आता है ना क्या करूँ। यहाँ पे भी मेरे को पता है लोग ऊपर नीचे घर से देख रहे होंगे कह रहे हैं पागल हो गया क्या। तो मैंने ना गिफ्ट एक्चुअली मम्मी के लिए पहले फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर लिया है मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी नहीं दिखाया ना अभी दिखाता हूँ। ये देखो सिनेमैटिक शॉट प्रॉब्लम ये है कि उसमें गुड़िया एंड फिर कुंदन दोनों सेट मिला हुआ है तो है ना गुड़िया का जो सेट है ना मोतिया यानी कि वो एक्चुअली पता है मोती को गुड़िया बोलते हैं एंड है ना वो जो बीड्स नग लगे हुए आई गेस डायमंड टाइप के जो है वो है ना कुंदन सेट होता है। तो मेरे को पता नहीं था पहले मैंने ऐसे ऑर्डर कर दिया फ्लिपकार्ट से बाद में मेरे को दीदी ने बताया बड़े पापा घर पर कि अरे उसका मतलब गुड़िया होता है मोतियों का और जो ये स्टोन्स दिख रहे हैं ना ये कुंदन सेट होता है। तो बोला ओ अच्छा ऐसा होता है तो जो मोती है ना वो उस नग से घिस के है ना ख़राब हो रही। तो मामी से मैंने बताया ऐसा ऐसा होता मामी ने कहा ना मेरे पास डब्बा है मेरे घर में जाना तो ले लेने के लिए तो मेरा अच्छा ठीक है तो वो डब्बा मैं अभी खोजता हूँ एंड देन उसमें रख लेना ताकि बच जाए वरना फिर पता चल रहा है खराब हो गया इतना महंगा गले का सेट। मैं कॉल किया था पापा को समझ में नहीं आया मिठाई कौन सा लेना है तो पापा वीडियो कॉल करके दिखा रहे थे मुझे कौन सा मिठाई लेना है तो हम लोग बोलते हैं हाँ ये 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 आप यहाँ पे देखो क्लिप चल रहा है ये वाला देखो ये वाला पुराना हो गया पुराना ये इधर देखो ना मेरे को क्या देख रहे हो और दिखाइए तो कौन सा तब तक मैं सामान निकाल लेता हूँ फ्रिज से फिर से आप देखते रहो इधर।
पता है नया ही फ्रिज है जिसको यूज़ नहीं करते, तो इसको कवर ला के रखा हुआ है, वरना ये न्यू फ्रिज है, रखने का बना रखा है, मतलब जैसे कि सिलाई विलाई का जो सामान वामान होता है ना वो सभी रखा हुआ है मामी ने इसमें अपना, ये देखो। एंड इसमें पहले चॉकलेट्स बिस्किट्स रहता था लेकिन अभी नहीं है वो। पता है जो मम्मी के लिए मैंने सेट मंगाया है ना गले का, उसका मतलब मैंने आपको बताया कि मतलब पैकेजिंग सही नहीं था थोड़ा, तो पैकेजिंग के लिए मामी ने मेरे को बताया था कि फ्रिज में सामान है लेने के लिए, तो ये वाला डब्बा एक दिख रहा है, इसमें मैं रख के देखता हूँ कि ठीक ठाक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना फिर दूसरा डब्बा खोजूंगा मैं। ओके तो चलिए चलते हैं। तो शाम को मैंने एक छोटी सी पार्टी थ्रो कर रहे हैं, तो हम आके थोड़ा रेडी होने वाले हैं, लाइट ही नहीं है यहाँ पे यार, तो हम ड्रेस चेंजिंग वाला वीडियो बना रहे थे मम्मा के साथ, तो जाके नहाना भी, मैं सुबह से नहाया नहीं वैसे ही वहाँ से आके मुँह पे पाउडर थोप लो, हो गया काम खत्म, कुछ नहीं होता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओके सो अब मेरे को जाना है नींबू लाने के लिए, मेरा हाथ दब गया इधर ही, इसके अंदर जोड़ का हाथ दब गया है गाइस, पूरा एकदम दिमाग सट गया है वो, मतलब ऐसे मैं पकड़ा था क्लोज कर रहा था उसमें ही दब गया। अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल नींबू लाने के लिए, नहा धोवा लिया हूँ मैं, एंड पता है सुबह से मैं नाश्ता भी काम चल रहा है, सुबह बिस्किट खा के वहाँ देवरिया से निकला था, एंड फिर पापा ने समोसा चाट ला दिया, समोसा छोला ला दिया, तो मैं समोसा छोला खा लिया एंड बस हो गया। एंड अभी मेरे को जाना है नींबू लाने के लिए, एक्चुअली पनीर लाना था ना मेरे को, बट मेरी नानी आई हुई है, मतलब बुआ नानी आई हुई है, तो वो है ना दूध लेकर के आ गई, मतलब उनका गाय वाय है, सब्जी वब्जी भी लेकर के आई है, तो वो दूध लेकर आई, तो मुझे बस नींबू लेके आना है, पनीर फाड़ के हम घर पर बना लेंगे, तो इसके लिए अभी चलते हैं, देखते हैं नींबू लेकर के आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने लेमन ले लिया, ये 5 रुपीज़ पर पीस थे मेरे को मिले हैं, अब जाके फाइनली पनीर बनेगा, फाड़ के रख देंगे एंड सेटल भी कर देंगे। अभी मुझे मार्केट फिर से आना पड़ेगा केक लेने के लिए, तो ठीक है अब जाते हैं घर पे, आराम करता हूँ, फोन चार्ज में लगाऊंगा एंड फिर आता हूँ मैं वापस से, बाय बाय। तो अभी बज रहे 2 एंड मैं पहुँच गया घर पे, अभी मुझे है ना जो कपड़े पहनने आयरन भी मारने हैं, तो मैं लेकर के आता हूँ एंड फिर उसको आयरन मारता हूँ। गाइज मम्मी का आउटफिट जो पहनने वाली, ये जो ज्वेलरी मैंने गिफ्ट किया है वही वाला है। गाइज अभी बज रहे हैं समथिंग 5 एंड टाइम हो गया केक को लाने का, तो अभी मैं जाने वाला हूँ जल्दी से एंड केक को लेकर के आने वाला हूँ, एंड फिर बैलून सलून्स भी लाने का प्लान है, थोड़ा बैलून सलून्स भी आएगा, फिर उनको फुलाने का भी है ना, तो सब जल्दी जा करके लेकर के आते हैं एंड फिर जो भी होगा कार्यक्रम, और मिलता आपको मार्केट में, बाय। अभी मैं आया हूँ केक लेने के लिए, मेरे को मेरा पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, एंड जल्दी से केक लेता हूँ एंड घर जाता हूँ एंड डेकोरेशन स्टार्ट करता हूँ। केक का ऑर्डर कर दिया है, मेरे को पता ही नहीं, मतलब से खोज रहा हूँ यहाँ पे कहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ है, सही है भाई, अब जल्दी से खोजता हूँ एंड देन फिर वापस से केक भी लेना है मेरे को भी। आई गेस कि वो बादाम शेक वाले बॉर्डर के पास से मैंने टर्न लिया था उस टाइम, वहीं पे होगा कहीं पे केक का दुकान। हाँ करेक्ट गाइज, वो रहा केक का दुकान वहाँ पे। गया तो उन्होंने कहा केक को अभी थोड़ा टाइम है, 15-20 मिनट और लगेगा, अभी केक आ रहा है। बोला अच्छा ठीक है मैं इधर ही बैठता हूँ, मैं कहीं जाऊँगा नहीं, फिर बोला ठीक है बैलून सेलून्स दिखा दो, तो बैलून्स दिखाया एंड फिर जो कैंडल्स मैंने मांगे थे स्पार्कल्स वाले कैंडल नहीं थे, तो वो नंबर मोमबत्ती वाले थे, बोला ठीक है मैं कहीं और देख करके आता हूँ, तो मैं अभी दूसरे दुकान पर जा रहा हूँ, और केक का दुकान खोजना पड़ेगा, तब डर ही लग रहा है मैं रास्ता ना भटक जाऊँ और भूल जाऊँ मैं कहाँ से आया। मार्केट घूम लिया बट मेरे को नहीं मिला, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, चुपचाप से केक लेता हूँ एंड वहाँ पर जो कैंडल अवेलेबल है वही ले करके निकलता हूँ मैं। पहले बहुत इंतजार करना पड़ा, फाइनली केक मिल गया, 6 बज गया एंड ये रहा केक, मैं लेकर घर जा रहा हूँ, घर पे पहुँच के आपसे बात करता हूँ, बहुत थक गया मैं इधर ही। यहाँ पे ना केक्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा सस्ते हैं, मतलब वहाँ पे इतने सस्ते नहीं है केक, चाहे नॉर्मल केक हो चाहे आइस केक हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सस्ता है। एंड अगर पता है, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने केक खुद क्यों नहीं बनाया, तो वो रीज़न एक्चुअली ये है क्योंकि मैं कर्नाटक में केक बनाता हूँ, तो वहाँ के मेरे को इक्विपमेंट सारे वहाँ पे, व्यवस्था व्यवस्था सब कुछ मेरे को वहाँ पे, यहाँ पे कुछ है नहीं, तो इसके लिए बना नहीं सकता। एक्चुअली मैंने पहले ही प्लान किया था कि पापा मेरी जब सालगिरह आएगा ना फ्रेश फ्रूट केक बनाऊँगा, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि मैं यहाँ पे आ गया, अब मैं वहाँ पे जाऊँगा ना, तो मेरी मम्मी के बर्थडे पे या पापा के बर्थडे पे बनाऊँगा, पर बनाऊँगा जरूर। हाय गाइस केक एंड उसके ऊपर बैलून्स कैंडल्स एंड नाइफ है। ऑलराइट गाइस, तो मैं मार्केट से आ चुका एंड मम्मा वाज लाइक कि मैंने ना पनीर का सब्जी बनाया है, सो टेस्ट करके बताओ कैसा है। मैंने बोला कुछ हल्का सा गड़बड़ लग रहा है, तो मम्मा वाज लाइक अच्छा ठीक है मैं इसे फिक्स करके आती, तब तक तुम बाकी की तैयारी देख लो। एंड देन फिर मैं बैलून्स फुलाना स्टार्ट कर दिया ताकि डेकोरेशन स्टार्ट करूँ, बट एक्चुअली क्या हुआ ना पता है, बहुत सारे बैलून, मतलब ऑलमोस्ट हाफ बैलून्स है ना आपस में टकरा टकरा के हवा से फूट गए, एंड मेरे को एक्चुअली ना वो जैसे समथिंग ग्लिटर टाइप का निकलता है ना पॉप करने से, वो भी चाहिए था, बट वो मेरे को मार्केट मिल नहीं पाया क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता नहीं था कौन से दुकान में क्या सामान मिलता है, तो मैं खोजा एंड मेरे पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था, बोला ठीक है इसी घर पर चलता हूँ, एंड फिर कॉल आ गया तो मामा लोग से बात करने लगा एंड देन
बाथरूम में गई एंड गेट पता नहीं कहाँ से निकल के आगे दिखा, डोर ओपन है ना, मम्मी पता नहीं कहाँ से गई एंड अभी लॉक है डोर, खुल ही नहीं रहा है, अंदर भूत है लगता है। ये देखो 40 ऑलरेडी हो गया एंड अब रेडी हो रहे हैं सब लोग, तो मैं भी रेडी होता हूँ एंड जल्दी रात को मिलता हूँ, मेरा आउटफिट रेडी होते हैं एंड देन मिलते हैं। रेडी हो चुका हूँ, ये रही मम्मी भी रेडी हो रही है एंड फिर हम लोग काटने वाले हैं केक जल्दी से। जब तक मैं कैंडल जला रहा हूँ तब तक क्यों ना आप लोग एक ट्रांजिशन वीडियो देख लो मस्त मस्त, तो जल्दी से चलो देखते हैं। पार्टी कंप्लीट हो चुका है एंड अब भी ड्रेस चेंज करेंगे एंड फिर थोड़ा आराम करने वाले हैं। मैंने जो वीडियोस वीडियो बनाया सब ऐड कर दूंगा और फोटोज वोटोज भी ऐड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल मैं अलग ब्लॉग शूट करूँगा तो उसको भी देखिएगा जरूर। मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नए ब्लॉग, तब तक के लिए बहुत बाय।